था तो मैंने कहा देखा कि चाय आई है, थोड़ा सा चाय ली थी मैंने, चाय मैं चाय ले लूँ। और फिलहाल अभी मतलब बोल तो रहा हूँ पर नॉइस बहुत हो रही होगी, थोड़ा साउंड भी इग्नोर करेगा क्योंकि मैं ट्रेन में बैठा हूँ इसीलिए। और चलो फिर तब तक बने रहो ब्लॉग में और फिर मिलते हैं फिर आगे। फिलहाल अभी हम पहुँच गए मतलब नागपुर, अभी कुछ टाइम हो रहा है 7:30, पूरे दिन भर चले हैं और हालत ख़राब हो गई थी। फिलहाल अभी खाना पीना मंगवाया, ये रही प्लेट अपनी मेरी और शुभा भाई की दोनों की। फिलहाल अभी मतलब केस को खा के रेस्ट वेस्ट करते हैं भाई, पूरा दिन हो गया थक गए, हालत ख़राब हो गई। अपने भाई खाने की प्लेट तो फिलहाल अभी हम लोग उतर गए थे, तो 2 बजे उतरना था और अभी 6 बज चुके हैं, अब उतरे हैं जाके। ठीक है, देखो 6 बजे गए, पता नहीं चल तो रहा है पर टाइमिंग नहीं दिख रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो अभी सुबह के कुछ बज रहे हैं 6, तो फिलहाल हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ पर पहुँच गए हैं। 3 दिन हो गए ट्रेन में सफ़र करते करते और पीछे की साइड पर बना है रेलवे स्टेशन और देख रहे हो हम ऐसी एरिया के अंदर हैं, मतलब यहाँ पे कोई इडली डोसा वगैरह सब कुछ मिल रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हो हम कहाँ पर हैं। हैदराबाद साइड भीड़ है और इंतजार कर रहे हैं अभी पिताजी देखने गए प्रेस फ्रास सुनने का क्या सिस्टम है, सुबह सुबह परेशान है वैसे भी। बस ब्लॉग में बने रहो और जैसे फ्री होते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, बहुत बिजी है, काम वाम आना पड़ रहा है, रोड भी क्रॉस करनी पड़ती है, तो बार बार उठा के ब्लॉग नहीं कर सकते इसीलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। फिलहाल अभी हम लोग हो गए सब फ्रेश फ्रास एकदम मस्त में, नहा धो के बढ़िया एकदम क्लीन मस्त हो गए। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं कुछ खाने के लिए सुबह सुबह, मतलब नाश्ता पानी कर लेते हैं फिर चलते हैं ऑफिस, जहाँ काम है ऑफिस में वहाँ जाते हैं, कुछ काम वाम कराना है, काम हो जाए तो अच्छी बात है। कुछ भी शक्ल काली आ रही है, कोई बात नहीं, ये हर ब्लॉग में ये बोलता है शक्ल काली आती है, ये है वो है, तो खैर छोड़िए कोई गिरी बता दे। फिलहाल यहाँ पे हो रही है अभी भीड़ तो फ़ोन को रख लेते हैं अंदर, नहीं बना पता पड़े कि ब्लॉग बनाते बनाते कोई खींच ले गया हो, और हम भाई अपना सामान पैसे लेके घूम रहे हैं। देखो भाई ये क्या लगा है, पढ़ो इसको और फिर बताओ मेरे को क्या लगा है, और भीड़ तो देख ही रहे हो साथ में कुछ भी हो आया। तो ब्लॉग को अभी फिलहाल यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं और नाश्ता पानी करते हैं, तो फिलहाल नाश्ता पानी करके उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ट्रैफिक देखो यहाँ का इतना ट्रैफिक, भाई भाई लेके आ गया चाय और पीछे पिताजी भी लेके आ रहे हैं, साइड पे गए हैं, बहुत भीड़ है, काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत सारा भीड़ है। और कैसी है, ठीक नहीं है, लाओ यार चेक कर लेते हैं, सही है, मतलब यहाँ तो कड़क चाय है पर अच्छी है, एवरेज है, काफ़ी मौसम ठंडा है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया है। और देखो इधर देखो ट्रैफिक देखो, बस देखो और इस साइड पर भी टी स्टॉल्स, मतलब टी स्टॉल्स और जो भी है नाश्ते की वो सही ठेले लगी है, सुबह सुबह ही देखो अपना नाश्ता हो रहा है, समझ भी नहीं।
सोया का नाश्ता सिवा खा रहा है डोसा। तो यहाँ पे मतलब डोसा ज़्यादा मिलता है तो ये सिर्फ डोसा ही खा रहा है बोला। मेरा ये है लगा लो, ये एक प्लेट आ गया बढ़िया। तो इसको फिनिश करते हैं फिर हम दोनों से इसको फिनिश करते हैं उसके बाद। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे बस के इंतजार में, मैं और शाह भाई और पिताजी गए हैं एटीएम पर पैसे निकालने के लिए, इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। और वैसे भी यहाँ पे हमारी कोई लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहा है, हम जो बोल रहे हैं समझ नहीं पा रहे कि बस अन्ना मन्ना गन्ना जो भी है सब बोल रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। तो फिलहाल पीछे बस की लाइन लगी है बहुत लंबी और इस साइड हर माल 10 रुपये वही फिक्स जो भी है चल रहा है। किसी को लेना हो तो बता देना, मैं लेके आ जाऊँगा। सेम डायल लेके आ जाऊँ, कुछ नया करो, कुछ नया करो। बस की लाइन देख रहे हो तगड़ी है। हाँ जो लाइन बसें चलती है वो नंबर से चलती है, मतलब किसी का 84 है किसी का 51 नंबर है। वैसे ऐसे सारी बसें जहाँ नंबर से चलती है। तो भाई वेटिंग में खड़ा है, कुछ मिल जाए बस। बस यहाँ के जो मंदिर होते हैं काफ़ी मतलब कलरफुल होते हैं मंदिर, शायद आई थिंक यहाँ पर हर ड्राइवर बैठी हुई है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। सामने ना पूरा आर्मी एरिया है, वो जो टेंट रखे हुए हैं पूरा ये आर्मी एरिया है, काफ़ी बड़ा। अब मतलब कौन कौन है नाम होंगे कॉलिंग मास्टर, सुबह से लेकर शाम तक कॉलिंग चला रहता है। फिलहाल हम लोग बैठे हैं मतलब यहाँ पर कैंटीन में, इस कैंटीन पर बैठे और पिताजी ऑफिस में गए हैं, जो भी है पेपर वर्क करा के फिर आते हैं। तब तक हम यहाँ वेट कर रहे होंगे। आपके आसपास अगर कोई भी इंसान गैर जरूरी नजर आए या कोई भी चीज लावारिस हालत में दिखाई दे, या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, होटल, सिनेमा हॉल, मार्केट, पार्क, किसी पब्लिक जगह पर बैग, सूटकेस, टिफिन डब्बा या भाई काम हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो रहा है और शोर भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से भी हो गई बहुत बुरी हालत है। फिलहाल पीछे तरफ आए हैं होटल पर और कुछ खाते हैं यार, फिर बहुत पैसे ज़्यादा खराब हो गए कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल अभी हम बैठे सब स्टेशन पर और अभी कुछ टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं कुछ, और हम लोग मतलब ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन है करीब 12:30 बजे और देख रहे हो पीछे की साइड में कितना भीड़ है, यहाँ पर पानी और बरस रहा है एक्चुअल में, ये और चल रहा है और भीड़ भी काफ़ी है, गर्मी भी बहुत हो रही है फिलहाल। पर अभी तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है, 3 दिन का सफ़र फिर से तय करना है, फिर जाकर पहुँचना है, बहुत हालत ख़राब हो गई सफ़र में। फिलहाल ब्लॉग में बने रहें और लाइक करके जाओ।